हाँ शाहनवाज साहब, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? जी, दुआ है। सबसे पहले तो मैं आपका और मजलिस का इस कोरोना काल में आप लोगों ने जो डायरेक्टली जो जी, हैदराबाद से हम लोगों को, चाहे ऑक्सीमीटर हो, चाहे क्या कहते हैं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हो, ये सारी चीजें मुहैया कराया, इसके लिए हम तमाम जोकी वाले, अररिया वाले आपका शुक्रिया अदा करते हैं। चूंकि हम लोग पहले दूसरी पार्टी में भी थे, फर्स्ट टाइम देखा गया है जिस पार्टी से हम ताल्लुक रखते हैं उस पार्टी ने डायरेक्टली अपने फंड से, गवर्नमेंट फंड को छोड़ करके, हम लोगों को मुसीबत के घड़ी में जरूरत के सामान मुहैया कराया है, इसके लिए हम तमाम लोग शुक्रिया अदा करते हैं। जी दूसरी बात है, जो हम लोग के यहाँ जो रूटीन वर्क है, चाहे ब्रिजेस का हो चाहे रोड्स का हो, वो हो रहा है। अभी हमारे जोकीहाट में 1.5 करोड़ की लागत से हॉस्पिटल बन रहा है, उस पर भी हम लोग नजर रखे हुए हैं। अभी जोकीहाट फुल्ली फ्लडेड एरिया है, इसके लिए पिछले काल में हम लोगों ने 1.25 करोड़ से 3 फ्लड होम, बाढ़ग्रस्त मकान का जो है हम लोगों ने नींव रखा था, इसमें हम लोगों ने 2 मकान गवर्नमेंट को अभी हैंडओवर कर दिया है, जिसका कि 21 तारीख को सीएम बिहार उद्घाटन भी करने वाले हैं और एक कुछ दिन में हो जाएगा। तीसरा है स्टेडियम, हम लोग का एक वो भी काम स्टार्ट हो गया है, 6-7 महीने में वो भी पूरा हो जाएगा। एक मेजर और काम हम लोग का जस्ट स्टार्ट होने जा रहा है, अररिया टू गलगलिया 4 रेलवे लाइन। हेलो, जी, वो काम अभी जस्ट स्टार्ट होने वाला है, यहाँ पे उन लोगों ने अपना सारा ऑफिस ऑफिस डाल दिया है। दूसरा एक है सर की अररिया टू जो गलगलिया है, फादर इसके लिए बहुत कोशिश किए थे रेलवे लाइन का, उसका भी काम चल रहा है। आप जरा आवाज उठा देंगे तो और तेजी आ जाएगा। कहाँ पर रेलवे में कहाँ पर बोलना पड़े, तो कौन सी जगह है वो, कौन सा? अररिया टू गलगलिया ये चल रहा है काम, ऑलरेडी लैंड जो है पोजीशन ले लिया गया है, काम भी चल रहा है। जी, और हम पांचों विधायक का एक सबसे बड़ा कॉमन इश्यू है, वो है फ्लड। और हाँ फ्लड में जो फ्लड से पहले जो कटाव निरोधक कार्य होना चाहिए था वो नहीं होता है। अगर इसका बजट उठा के देख लीजिएगा, पूरे बिहार को एक सुनिश्चित राशि दे दी जाती है, लेकिन हम लोगों को पूरे साल टहलाया जाता है, अंत में लास्ट में ये बोला जाता है विभाग के द्वारा कि पैसे के अभाव में आपके यहाँ काम नहीं हो सकता है। जब फ्लड आ जाता है, जब लोगों का घर पानी में विलीन हो जाता है, तो आनन फानन में विभाग खाना पूर्ति है जैसे को तैसे कर देता है। इस पे अगर आवाज उठाएं आप, और मेरी गुजारिश होगी, अगर फ्लड आता है एक बार अगर दौरा कर दे तो ये नेशनल इश्यू हो जाएगा और लाखों लोगों का इसमें भला हो जाएगा। नहीं, हम आए थे, मेरे ख्याल से 3-4 साल पहले आए थे हम। अख्तर जी भाई आए जी थे जी ना, अख्तर जी भाई और एक और चीज है सर, लास्ट में हम बोलना चाहेंगे, एक रेलवे लाइन का जो है लालू जी के रीजन में फादर ने पास कराया था, वो ऑलरेडी सैंक्शन है। आपको बिल्कुल। जाके जलालगढ़ टू किशनगंज है, इसी के बीच में कोचाधामन भी टच करेगा। ये हाँ सारा मेरे पास रोड मैप भी है, और जो पास किया हुआ नक्शा है वो भी है, और गूगल पे भी सारा दिया हुआ है। इस चीज को आप अगर उठाएं और फंड एलोकेशन करा देते हैं तो आपका भी वादा पूरा हो जाएगा, सारी बातें हो जाएगी। हमने अख्तर साहब को और माजिद साहब को भी दिखाया था, सारा नक्शा दिखाया हुआ है उनको मैंने। नहीं, आप उसको जब दिल्ली आएंगे ना, इंशाल्लाह आप लोग जी 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 पूरा वो। बाकी जी बाकी सब ठीक चल रहा है, आप लोग का जैसा इंस्ट्रक्शन होगा, और 6 महीने से हम लोग लगातार आप लोगों की दुआओं से काम कर रहे हैं। आपको कैसा हम लोग का फीडबैक लगा, आगे जो भी इंस्ट्रक्शन होगा हम लोग करने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।